3, 2, 1, 0. Event number 96 completed. And we have a successful liftoff. भारत देश के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पहली बार देश में निजी स्पेस कंपनी द्वारा बनाया गया रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया। इसने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को एक अलग ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। जैसा कि सबको इंतजार था 11:30 बजे का, और जैसे ही ये टाइम हुआ तो रॉकेट विक्रम एस को लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से आज सुबह अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास लिखा गया। हैदराबाद की निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के रॉकेट विक्रम एस ने उड़ान भरी। देखिए वीडियो। 3, 2, 1, 0. इवेंट नंबर 96 कंप्लीटेड। एंड वी हैव अ सक्सेसफुल लिफ्ट ऑफ विक्रम एस रॉकेट। I think I should be able to show you the jubilant environment here at the Mission Control Center, where the entire team is celebrating the launch and the spin-stabilized rocket. The views from the launcher camera. In a few seconds, the vehicle will undergo the condition of maximum aerodynamic pressure, followed by the motor burnout, and we will get you those confirmations shortly. The vehicle will experience Qmax around 15 seconds and the same time maximum aerodynamic loads will occur. Just to remind the viewers, this is an aerodynamically stabilized vehicle. At 20 seconds flight time, we have reached Mach 5, which means it is flying at 5 times the velocity of sound. And with this, the vehicle has achieved hypersonic velocities. It looks like we do have successful burnout and the flight trajectory is tracking as per the prediction. Rocket is now at the altitude of 66 kilometers, 67 now. We have completed 80 seconds of flight time. We are around 34 seconds away from the launch pad. अब आपको बताते हैं इसकी खासियत के बारे में। 6 मीटर लंबा ये रॉकेट दुनिया के पहले कुछ ऐसे रॉकेट में शामिल है जिसमें घुमाव की स्थिरता के लिए 3D प्रिंटेड ठोस प्रक्षेपक है। इस रॉकेट का नाम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और दिवंगत वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया है। ये एलन मस्क की स्पेसएक्स के पहले प्राइवेट रॉकेट के लॉन्च जैसा है। ये एक तरह की टेस्ट फ्लाइट होगी। अगर इसमें सफलता मिलती है तो भारत प्राइवेट स्पेस कंपनी के रॉकेट लॉन्चिंग के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा। इसकी लॉन्चिंग में आम ईंधन के बजाय LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया गया। ये ईंधन काफी किफायती होने के साथ साथ प्रदूषण मुक्त है, यानी ये काफी सस्ता भी है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।